very good morning to all my lovely students. In our last class, you were asked to do my turn 3 in your practice book. I hope you all enjoyed talking to your friend and filling the answers. क्यों मजा आया ना सबको, सबने अपने फ्रेंड से खूब बातें की और उसकी प्रेफरेंसेस जानकर, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को जानकर, और आप सबने ये आंसर्स फिल किए, राइट? नाउ टिक द आई अंडरस्टैंड बॉक्स फॉर पॉइंट नंबर 4 इन द सेल्फ चेक बॉक्स. इट सेज दैट वी शुड प्ले टुगेदर एंड वी शुड नॉट फाइट. ये बॉक्स क्या बोल रहा है कि वी शुड प्ले टुगेदर एंड वी शुड नॉट फाइट, राइट चिल्ड्रन? थ्रू आउट द चैप्टर वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट वी ऑल आर डिफरेंट बट स्पेशल एंड वी शुड ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर. यही सीखा ना हमने पूरे चैप्टर में कि हम लोग सब अलग हैं, सब कुछ अलग अलग चीजें पसंद हैं, लेकिन फिर भी हम सब स्पेशल हैं और हम सबको एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है और एक दूसरे की खूब इज्जत भी करनी है. ओके नाउ जस्ट थिंक एंड टेल मी व्हाट यू लाइक्स टू प्ले विद व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी. जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आप किस चीज से खेलना पसंद करते थे? अ रेटलर, अ डॉल, अ टेडी बेयर और एनीथिंग एल्स? If you don't remember, you can ask your parents. अगर आपको याद नहीं है तो अपने parents से पूछ सकते हैं. Now tell me, do you still like to play with the same toys? क्या आपको अभी भी उन्हीं toys से खेलना पसंद है जो आप छोटे हुए होते जिनसे खेलते थे? Most of you will say no. है ना, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी preferences change हो जाती हैं. हम बड़े होके हमारी likes और dislikes different हो जाती हैं, right? अब जैसे आप बड़े हुए, if you are grown up now, you might not be playing with the rattler, you would like to play with a truck or a big doll or anything of the sort, right? For example, when I was a child, I never liked to eat bottle gourd. आप लोगों में से भी बहुत बच्चों को शायद नहीं पसंद होगी घिया खाना, है ना? So children do not like to eat bottle gourd, but when you grow up, now I know it is good for health, so I have started liking it too. I have developed a taste for the bottle gourd. So our preferences, our likes and dislikes change as we grow up. Okay beta, so क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? होता है ना, चेंजेस आते हैं. डज दैट मीन दैट वी आर बैड व्हेन वी वर स्मॉल? क्या इसका मतलब ये है कि वी ऑल वर बैड, जब हम छोटे थे तो हम गंदे थे और हम बड़े हो रहे हैं तो समझदार हो रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट ये चेंजेस आते हैं, राइट? सिमिलरली पीपल हु हैव डिफरेंट टेस्ट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स फ्रॉम अस आर ऑल्सो नॉट बैड, है ना? जैसे हम लोगों के अंदर ही चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइक्स और डिसलाइक्स हम लोगों से अलग होते हैं. जो चीज हमें पसंद है हो सकता है उन्हें ना पसंद हो, जो उन्हें नहीं पसंद है हमें पसंद है, या जो हमें नहीं पसंद है वो उन्हें पसंद है, है ना? तो डिफरेंट बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे सिमिलर होते हैं, जो हमें पसंद है वो उन्हें भी पसंद है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, दे आर नॉट बैड, वी ऑल आर गुड. Now you will fill the answers in my turn 4 on page number 2 of your practice book. You can take help of your parents also. Ask them what you like to do when you were baby, and because most of you must not be remembering that, so you can take help from your parents. Then you will write any 3 of those things that you liked to do as a baby in the space provided. ओके, आपको यहाँ पर लिखना है कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको क्या चीज करना पसंद था, और क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को वो चीज याद ही नहीं होगी, इसलिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई 5 इन अ कोर्स बुक. हियर अगेन यू ऑल विल फिल द इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ and your answers will vary.
यहाँ पर फिर से आपको अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है और आप सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे. इफ नीडेड टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. ठीक है, मैं आपको एक बार बताने लगी हूँ कि कहाँ पर आपको क्या लिखना है. जो जनरल आंसर्स होंगे विल डिस्कस एंड राइट डाउन. फर्स्ट इज माय नेम, यू हैव टू राइट योर नेम. दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड, यू विल राइट योर नेम. माय एज, अब आप कितने साल के हैं. मोस्ट ऑफ यू आर 6 इयर्स ओल्ड, सो आई हैव रिटन 6 इयर्स ओवर हियर. बट अगर आप छोटे हैं, इफ यू आर 5 इयर्स ओल्ड यू विल राइट 5 इयर्स, इफ यू आर 7 इयर्स ओल्ड यू विल राइट 7 इयर्स. Then I am a boy or a girl. This also you will write boy or girl, right? Next, class, you all are in class 1. School, your school is Dyal Singh Public School. Then my teacher's name, here you will all write your teacher's name. Jo bhi aapki class in charge hai, aap unka name likhiye. Let's move on to the next box. My home, यहाँ आप अपने घर के बारे में बताएंगे. Colonies name, ठीक है. In one of our classes, I had asked you to memorize your address. मैं आपने बोला था आपको अपने address याद करने के लिए. तो अब आप किस colony में रहते हैं, that you have to write. Then you have to write your city. You all live in Karnal. Country, India. We all live in India, right? Then you have to write about your friends. My friends. You will write names of your friends. Jitne bhi aapke friends hain, you can write their names here. Then next box is my favorite vegetables. Again the answers will vary. Sabki alag alag favorite vegetables hongi. To jo bhi aapke favorite vegetables hain, unke names aap yahan likhiye. Then next is my favorite fruits. To yahan par aap apne favorite fruits ke names likhenge. Right beta? Now let us summarize what we have learnt in this chapter. We care, we all are different from each other. हमने पढ़ा कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं. We look different, we also talk in different ways, but we must always remember that we all are special. हम लोग सब different कैसे हैं, हम अलग अलग तरह से बात करते हैं, हम अलग नजर आते हैं, है ना, हमारे tastes, likes, dislikes सब अलग अलग हैं, but फिर भी हम लोग हमेशा स्पेशल हैं, हम सब स्पेशल हैं. सो वी शुड नेवर फॉरगेट दैट वी ऑल आर स्पेशल. वी मस्ट नॉट मेक फन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ द वे दे लुक और टॉक. दिस ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर. हमने डिस्कस किया था कि हमें कभी किसी का मजाक इसलिए नहीं उड़ाना है कि वो अलग नजर आ रहे हैं या वो अलग तरह से बात करते हैं या अलग तरह से ड्रेसअप होते हैं या कुछ भी. वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर. हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखना है. Now let's mark the I understand box for point 5 and 6 of the self-check box in our practice book. अभी एक बार देख लेते हैं point 5 क्या है. It says we all are different but we are special. आपका point 5 बोल रहा है कि हम सब different हैं लेकिन हम सब special हैं, right? ये हमने पूरे chapter में बार बार पढ़ा. So we understand that now. So let's stick here. Point number 6 is I am special. ये तो कभी भूलना ही नहीं है. I am special. Always remember that. You all are very special, right? So you understand that I am special. Let's stick here. Okay? Now, always remember that this world is special only because of us. ये दुनिया इतनी अच्छी क्यों है, इतनी special क्यों है? हम सब लोगों की वजह से, किसी एक इंसान से ये दुनिया नहीं बनती है, right? So remember that this world is special only because of us. We all are special. And most importantly, you are different. Nobody is like you. So never think low of yourself. कभी ये नहीं सोचना कि मैं different हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है. No. Always remember that you are special. You are the most special person in the world, right? Always remember that you are special. So respect yourself, love yourself, and respect others and love others. That's all for today, beta. We will meet in our next class with some
new activities and new topics. Till then, take care. Bye-bye.